रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम वीरपुर में विधायक रामपाल सिंह ने कन्यापूजन कर विकास यात्रा का शुभारंभ किया। विकास यात्रा में संभागायुक्त माल सिंह भैडिया भी शामिल हुए। इस दौरान विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने ग्राम वीरपुर में 2.74 लाख की लागत से बनने वाले सीसी रोड और 2.10 लाख की लागत से शांति धाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया, साथ ही नाले निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। वहीं विधायक रामपाल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समाज के प्रत्येक तबके के विकास और कल्याण के लिए योजनाओं का संचालन करने के लिए संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में गांव गांव शहर शहर विकास की गंगा बह रही है। होता था उससे बीमारियां भी होती हैं, जिसमें से अभी 45 उनको न बेटा बेटियों को बचाना जरूर, बेटा बेटियों ये कुछ पुरानी याद करना, तुमको तो सब अच्छे अच्छा दिख रहा है लेकिन पहले अपने पूर्वजों ने बहुत कष्ट उठाया, लेकिन अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से हम लोगों ने जो काम किए है, जो सेवा का काम कर रहे हैं, भटकते थे दफ्तरों में भगा देते थे, डांट देते थे, गरीब बैठे रहते थे, लेकिन अब गरीब की सेवा करो ये माननीय जननायक मुख्यमंत्री शिवराज जी का आदेश हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में घर घर जाके अधिकारी कर्मचारी के भैया क्या योजना चाहिए, माता जी दादाजी आपको क्या चाहिए, पेंशन मकान।